चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज हम लेकर आए हैं फिर से उस प्रोग्राम को जिसका नाम है चर्च की असलियत। और आज चर्च की असलियत में हमारे साथ हैं जीत सिंह और उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। सो जीत सिंह, हमारे लोगों को आप जेएमसी कह सकते हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप जब परमेश्वर मसीह के पास आई, उससे पहले आपके जीवन की असलियत जो भी है वो आप थोड़ा मुझे बताइए। पहले कैसे थे हालात आपके, क्या हुआ था आपको? मैं बीमार हो गया सी, कोई थोड़ा बहुत नशा भी करता सी, इस कारण बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, मेरे हाथ पैर रुक गए। अच्छा, आप बीमार हो गए थे? आप बीमार हो गए थे जी। तो जब बीमार हुए तो मतलब क्या हुआ, क्या था आपको बीमारी, मतलब जब बीमारी आई तो आपके आपको क्या क्या होता, क्या था उससे? मेरे हाथ पैर रुक गए। हाँ, हाथ पैर ये रुक गए। मतलब ये नस है, गर्दन है, ऐसे गिर गई, कमजोर हो गया बहुत ज्यादा। तो मैं खाना भी नहीं खा सकता था, घर वाले खिलाते मेरे को। कितना टाइम बीमार रहे आप? 3 महीने। 3 महीने? हाँ, 3 महीने। कुछ थोड़ा बहुत खाना खाया, खाना नहीं, जो हाथ पैर रुकते, मतलब ये हाथ चलते नहीं थे क्या, क्या होता था? नहीं, ना, ये हाथ मेरे ये मुंह की तरफ आते नहीं थे। अच्छा, ते जो भी ऐसी मन मोटे कितने भी जाने ना छाप शिव कराने, तो फिर आए पट के फिर बोल दें दे। अच्छा, ये मुठियां ऐसे बंद रहती? हाँ, आई रहती। ये सीधर आई, बस इतनी रहती कौन देगा? एंजल रहती? हाँ, आई नहीं रहती, आई रहती सी, बस ऐसा ऐसा सीधर रहती। हाँ, ऐसा रहती मुंह दे सी। हाथ भी ये तो ऐसे मुड़े हुए थे, ये इकट्ठे नहीं होते थे, और ये टांगे जो है ये भी इकट्ठी नहीं होती थी, ऐसे सीधी रहती थी। अगर इकट्ठी करनी होती तो हाथ से करते थे, दूसरा व्यक्ति जो था उसको पकड़ कर ऐसे हाथ से इकट्ठा करता था। तो मेरी नसें जो ऐसे रहती। तो डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर वो थोड़ी बहुत दवाई दे देते बस, नहीं की फायदा नहीं होया। हाँ, मतलब क्या बीमारी क्या बताते थे, क्या होता, क्या है, क्या बीमारी है? डॉक्टर खून नहीं दौरा करता। अच्छा, खून। अच्छा, तो डॉक्टर ये कहते थे कि खून जो है वो सर्कल नहीं कर रहा, खून दौरा नहीं कर रहा। हाँ, संचार नहीं कर रहा। हाँ, मेरे शरीर में तो खून का सर्कल नहीं है, और कैसे इनके हाथ ऐसे रहते थे, और घर के लोग ही बाथरूम वगैरह कराने के लिए आप लोग लेकर जाते थे, घर के लोग खुद नहीं करते थे, और खाना नहीं खाया जाता था। तो फिर क्या खाने के देते थे? दलिया। अच्छा, दलिया देते। अच्छा, कभी एक चम्मच कभी दो चम्मच करके ऐसा उसको मुंह में डालते थे आप? मुंह में खुद नहीं खाया जाता था, कुछ भी नहीं किया जाता था। अच्छा, तो नसें रुक गई थी, तो खून जो था वो संचार नहीं होता। हाँ, तो शरीर की नसें रुकने के कारण जो था खून का प्रवाह नहीं हो रहा था ना, खून निकल रहा था। और फिर जब ये बीमार हुए तो फिर कैसे आप घर का कैसे आप काम करते थे, कैसे चलाते थे, मतलब कमाने वाले? पहले तो आप कमाई करते थे, तो फिर जब ये बीमार हो गए फिर कमाई कौन करता था? कमाई फिर पास जी भी ऐसी भी मुंडा हो गया, फिर आप दिहाड़ी भी नाल जांदियां रहंदियां सी बुढ़ियां, ये रोंदा हुंदा सी आखदा हुंदा भी दिहाड़ी जांदी है, भी मैं कदे गई नहीं सी दिहाड़ी, ते फिर जाना पिया जदों बच्चे भुखे सी। अच्छा, तो आप फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या कर रहे थे जब ये मंजे पे हो गए 3 महीने, तो ज्यादा बीमार थे वो 3 महीने, उससे पहले भी बीमार थे? पहले तो चंग
कभी बीमार हो गया कभी ठीक हो गया, बीमार हो गया कभी ठीक हो गया, ऐसा चलता रहा। लेकिन तीन तीन महीने तो पूरी तरह बेड पर हो गए ये। तो फिर आपने जो आपका लड़का जो था पहले वो पढ़ता था, तो वो इनका लड़का जो था वो दसवीं क्लास में पढ़ता था, उसको भी उसकी पढ़ाई छूट गई और उसको भी काम पर मजदूरी के लिए जाना पड़ा। और जैसे ये बहन बता रही है वो भी खुद जो थी वो मजदूरी के लिए, ऐसा कहूं दिहाड़ी पे मजदूरी के लिए दूसरी औरतों के साथ दूसरे लोगों के साथ मजदूरी पे जाने लगी। तो उससे पहले आप तो कभी मजदूरी पे नहीं गए? नहीं गए, मैं तो कभी बाहर ही नहीं निकली थी। तो जैसे बहन बता रही है कि उससे पहले तो कभी वो बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन ये इस इनकी मजबूरी के कारण आप मजदूरी करने लगे भी कैसे ना कैसे बच्चे को मुंह में खाना आ जाए। तो फिर जैसे आप पहले बता रहे थे मुझे कि आपके आटा वगैरह की दिक्कत होती थी, आटा किसी से उधारा लेकर आते थे, कैसे क्या था आप बताओ क्या होता? अरे वो खर्चे के लिए हम बहुत तंग हो गए, उधर से तो मेरे पर पैसा खर्च होता और घर का खर्चा भी, इसलिए बहुत ज्यादा तंग हो गए जी। और जब हम पड़ोस ने इसे किसी से उधारा लेते तो हम 10 किलो आटा लेते तो वो तो उधार में चला जाता, घर में वो वैसा ही वही हाल था जी, बहुत बुरा हाल था। अच्छा, मतलब जो ओसी पड़ोसी हैं जो उनसे उधारा आटा लेकर आते हैं, फिर उनको वापस देते ठीक है? तो बहुत मुश्किल थी, घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल था, बच्चों का बच्चों को रोटी खिलानी बहुत मुश्किल थी। तो फिर आप सारा दिन तो मजदूरी करते और फिर उसके अलावा इनको संभालते है ना, इनको इनको बाथरूम करवाना है और लैट्रिन बाथरूम, और इसको इनके मुंह में कुछ ना कुछ डालना, जाने की देख रेख करना, कभी डॉक्टरों के पास दवाई लेकर आना ना। सो और आप एक मुझे आपकी बेटी संभाल लेती थी, वो तो छोटी थी बेटी भी, तो आपकी छोटी थी, बैठी रहती थी पास में बैठी, निक्का जो कुजा ले लंदी ते नी के सेवा बट के ते खवा देंदी, अच्छा विजय के ते खाऊगा। सो फिर एक एक बार तो इनकी हालात ऐसी हो गई थी, जैसे आप इसको डॉक्टर के पास जब लेके गए थे तो डॉक्टर कह रहा था कि भी आप करे ले जाओ इसको, तो आप उस दिन बाहर गए थे कि काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे? हाँ, तो हाँ कोई बात नहीं, आप रोना नहीं क्योंकि प्रभु ने आंसू हमारे पूछे हैं और आपके रोने से मुझे भी फिर रोना आ जाता है, क्योंकि किसी का दुख मुझे भी नहीं, मेरे से भी नहीं सहा जाता। बहुत दुख की बात है कि कैसे जब एक दिन बहन मजदूरी के लिए गई हुई थी और तो जब आए तो ये गिरे पड़े थे ना, तो फिर उठाकर आप डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने कहा भी नहीं इसको घर ले जाओ तो आपने फिर इनकी बहन को बुलाया? मुझे याद है मुझे जब आपने मुझे बताया था पहले कि मैंने इनकी बहन को फोन कर दिया था अभी आकर इसका मुंह देख लो, तो ऐसे हालात बिगड़ गए थे कि इनकी इन्होंने फोन कर दिया था उनको, इनकी बहनों को फोन कर दिया था कि आकर इसका मुंह देख लो, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास भी ले गए थे तो डॉक्टर ने कहा था भी इसको घर ले जाओ, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया, नहीं वो कहता घर ले जाओ, घर ले जाओ, कहते घर ले जाओ। तो फिर लोग क्या कहते थे भी, इसकी हालात कैसी है भी, बच जाएगा, क्या कहते लोग? वो लोग आसे पासे भी कोड़े ताने नहीं सी, तो आसे पासे आके तो मुश्किल पार पावे,
नहीं बचेगा। तो गांव के लोग भी जो उसी पड़ोसी थे वो भी यही आपस में बातें करते थे कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं। तो फिर इनको आपको किसी ने बताया चर्च के बारे में? किसी ने बताया आपको चर्च के बारे में? चर्च से सानू भी राजू, राजू। हां अभी वो ऐसा हुआ, ऐसा होया कोई मैं बस शॉर्ट में अपने करते हैं। तो इनको जो इनके पड़ोस में है राजू नाम का लड़का है जो हमारे चर्च में आता है, तो उन्होंने इन्हें बताया कि चर्च में आप चलिए और प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक करेंगे और फिर आपको यहाँ चर्च में लेकर आए। हाँ जी। तो फिर इनको चर्च में लेकर आए, जब चर्च में लेकर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दी। फिर किसने चंगा किया आपको? प्रभु यीशु मसीह ने। तो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और फिर आपके हाथ हो तो बिल्कुल चलने लगे। हाँ, ये धीरे धीरे ये सब ठीक हो गया। अब तो मैं, आप काम पे भी जाते हो? हाँ, चलते करते हैं। तो आप बता रहे थे आपका वो कैसे काला हो गया था शरीर, वो दिखाना कैसे पूरा शरीर काला जैसे कैसे हो गया था? ये पूरा शरीर इस तरह काला हो गया। अच्छा, जैसे ये है तो ऐसा पूरा शरीर काला ऐसे हो गया था? हाँ, पूरा, पूरा। हाँ। टकरा पे कैसे काला? ये है ना कलर, ये सब काला हो गया। हाँ, बेटा। हाँ। तो ये पूरा शरीर जो था इनका ऐसे काला हो गया था, पूरा शरीर काला हो गया था, और यहाँ तक के इनके रिश्तेदारों को भी बुला लिया था भाई आ जाओ और इसका मुंह देख लो। और 3 महीने तक तो इनकी हालात बहुत ज्यादा खराब थे, 3 महीने तक तो इनकी हालात बहुत खराब थे। और आप तांत्रिक के पास तो नहीं गए, किसी के पास तांत्रिक वगैरह के पास तो नहीं गए? नहीं गए। तो तांत्रिक के पास ये नहीं गए, क्योंकि अक्सर हम लोग आपको बताते हैं वो लोग जो तांत्रिक के पास जाते हैं और क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा, तांत्रिक के पास नहीं जाते थे, ये विश्वास नहीं करते थे तांत्रिक पे। तो ऐसी ऐसी बुरे हालातों से परमेश्वर ने बाहर निकाला है और परमेश्वर ने बचाया। और अब आपने मकान बनाया है, नया मकान बना लिया है, है ना? बहुत बढ़िया मकान। हाँ, मैं गया था इनके घर पे प्रार्थना करने के लिए, जब तो बहुत बढ़िया मकान, ऊपर लेंटर डालकर बहुत अच्छा, आरसी लेंटर डालकर पक्का मकान, जबरदस्त मकान अब बना लिया है। जो जो लोग आटा, आप समझिए इस बात को, जो लोग आटा जो था वो भी किसी से लेकर आते थे, उधारा लेकर आते थे, आटा किसी से मांग कर लेकर उधार लेकर आते थे, जिसके घर की औरतें कभी नहीं बाहर गई थी, कभी औरतें बाहर नहीं निकली थी, वो औरतें बीमारी के कारण मजदूरी करने जा रही हैं। वो बेटा जो स्कूल में जाता था वो स्कूल का काम छोड़कर, स्कूल छोड़कर काम करने लग रहा है। और इसके इनके रिश्तेदार जो हैं वो उनको इसलिए बुलाया जाता कि आके मुंह देख लो, क्योंकि ये तो अब नहीं बचेगा, मर जाएगा। ऐसे हालात इनके बुरे हालात थे। और प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर, चर्च में जब आए हमारे पास, और मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं, लेकिन चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में बड़ा चमत्कार किया और इन्हें पूरी तरह से चंगाई दी। और अब मैं आपसे जो फिर से बात कहना चाहता हूं कि ये जो लोग आटा उधारा मांगकर लेकर आते थे, वो लोगों ने अब आरसीसी का लेंटर डालकर पक्का मकान बनाया है। ये सब करने वाला कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। गांव के लोग भी ये कहते थे कि बस नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, और उसने प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें बचाया। फिर आप लोगों ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। आपको पवित्र आत्मा मिला? हाँ जी, पवित्र आत्मा मिला आपको। हाँ। तो इनकी पत्नी को पवित्र आत्मा मिला, पहले इन्होंने बपतिस्मा लिया था और आपने बाद में लिया बपतिस्मा? हाँ जी। आपने जब आपके आपके बीमारी आई तब लिया बपतिस्मा? हाँ। है ना? हाँ जी, वो थी दर्द दुख था वो। हाँ। तो देखो, इन्होंने पहले बपतिस्मा ले लिया था, क्योंकि ये तो इनकी तबीयत ज्यादा खराब थी तो इन्होंने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन बहन ने, इनकी पत्नी ने क्या है बाद में बपतिस्मा लिया। और वो भी क्या हुआ, एक दिन खाना बना रहे थे, क्या हुआ जब पथरी का दर्द हुआ? रोटी बनाती से तंदूर तपे पैसे। अच्छा, रोटी बना कराए रह गया। तो इधर रोटी बना रहे थे, तंदूर तपा हुआ था, तंदूर पे बना रहे थे रोटी, वो पेड़ा से करके रखे होते थे, एकदम पथरी का दर्द उठा। जब पथरी का दर्द उठा फिर
चर्च के लोग हैं उन्होंने इनके लिए प्रार्थना की, जिन्होंने इनको बताया था कि चर्च में चलो, उन्होंने प्रार्थना की और दर्द फिर बंद हो गया वहाँ। हाँ जी, दर्द बंद हो गया। फिर एतवार का दिन था, इनको प्रार्थना में लेकर आए और फिर आपने बपतिस्मा लिया। फिर इन्होंने बपतिस्मा लिया और फिर पवित्र आत्मा पाया है ना, अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा, अन्य भाषा, ठीक है, फिर अन्य भाषा पाई, पवित्र आत्मा को पाया। सो परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं, महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। और आपने धर्म तो नहीं बदला? तो ये है चर्च की असलियत, इन्होंने मन बदला वो कहते हैं लेकिन धर्म नहीं बदला है। सब परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो जल्दी ही मिलते हैं फिर एक बार एक नई असलियत के साथ। परमेश्वर आपको आशीष करें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें। आमीन।